दोस्तों वो गाना सुना है आपने, तुमको जो पसंद वही बात करें हम, वही गाना आज की एनसीईआरटी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार के रिश्ते पर बड़ी फिट बैठती है। मतलब जो पाठ या चैप्टर बीजेपी और उनके नेताओं को पसंद आएगी वही पाठ या चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ाएगी। मतलब बीजेपी के नेताओं ने कहा आरएसएस को बैन करने वाली बात हटा दो, सीबीएसई ने कहा जो हुकुम मेरे आका, बीजेपी ने कहा 2002 के दंगे हटा दो, बीजेपी ने जैसे ही ये फरमान जारी किया एनसीईआरटी ने कहा जो हुकुम मेरे आका। इतिहास बुरा हो या अच्छा हो, इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सबक जरूर सीखा जा सकता है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इतिहास से सबको सीख कर वर्तमान को बदलने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी में समझदारी भी है। कहा जाता है कि अक्लमंद इतिहास से सीखते हैं जबकि मूर्ख इतिहास पर लड़ते हैं। अब आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं आप खुद चुन लीजिए। मामले पर तगड़ा बवाल इसलिए भी हो गया है क्योंकि किताबों से गांधी की हत्या के अंश को हटा दिया गया है, गोडसे के बारे में काट छाट कर दिया गया है, आरएसएस को बैन करने वाली बात को खत्म कर दिया गया है, गुजरात दंगे वाले अंश को मिटा दिया गया है। ये सब कुछ किस और इशारा कर रही है जरा आप खुद समझ लीजिए। यही नहीं, सीबीएसई के छात्र अब कक्षा 10, 11वीं और 12वीं के इतिहास में नई पुस्तकें पढ़ेंगे। इन छात्रों को इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानी पढ़ने को नहीं मिलेगी। क्लास 12th का पाठ है गांधी का त्याग। इसमें बताया गया है कि कितनी बार गांधी की हत्या का प्रयास किया गया, वो तो साफ कर दिया गया। यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिक संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया था और इसी कार्यवाही में आरएसएस को कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। किताबों से यह भी हटा दिया गया है, किताब से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को ब्राह्मण होने और कट्टरपंथी अखबार के संपादक होने के बारे में भी मिटा दिया गया है। इसे मिटाकर क्या लिखा गया है कि 30 जनवरी की शाम को अपने दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, बाद में आत्मसमर्पण करने वाला हत्यारा नाथूराम गोडसे था, बस इतना ही। अरे नाम भी बताने की क्या ही जरूरत थी, वो भी खत्म कर देते, वो भी ना बताते, कौन पूछने जाता आपसे, आप तो सर्वोपरि हैं। 2002 के दंगों मतलब गुजरात दंगे वाला पैराग्राफ भी हटा दिया गया है। इस पैराग्राफ में कुछ तो ऐसा होगा ही जरूर जिससे किसी एक विचारधारा वाले लोगों को ठेस पहुंच रही होगी, और इसलिए तो मिटा दिया गया है। यही नहीं, क्लास 6 से लेकर 12th तक के सिलेबस से गुजरात दंगों से जुड़ी हर जानकारी को साफ कर दिया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने से लोगों का पेट नहीं भरा था, अब बच्चों के पुस्तकों तक ही राजनीति घुस गई है और गुजरात दंगों के इतिहास से ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। अरे इनका तो बस नहीं चलता, वरना ये तो कह देते कि हम इन दंगों को सिरे से खारिज कर देते हैं, आदत में शामिल है ना। मुगल का 200 सालों का इतिहास बच्चों की किताब से मिटाकर इतिहास बदला नहीं जा सकता है। हाँ, उस इतिहास को पढ़कर बच्चे आने वाले वक्त के लिए तैयार जरूर रहते, जैसे आज हमें पता है कि कैसे अंग्रेज व्यापार करने आए थे और हम पर राज कर चले गए, तो अब हम उस गलती से इतना तो जरूर सीख चुके हैं ना कि व्यापार को कहां तक विस्तार देना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी का तर्क है कि बच्चों का बोझ कम करने के लिए दोहराव वाली चीजों को काट दिया गया है। राजनीति बच्चों के पुस्तकों और स्कूली बस्तों में घुसकर टैर टुकुर करे, ये मुझे तो जरा भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब पैराग्राफ की कुछ लाइनें काटकर आप कौन सा बोझ कम कर लेंगे। 2014 के बाद से तीसरा मौका है जब एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ अभ्यास, कुछ अध्याय के काट छाट कर देने से बच्चों को एक तरफा ज्ञान मिलेगा और वो किसी काम का नहीं है। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे वीर सपूतों ने मुगलों का जीना कैसे हराम किया था। उन्हें पता चलना चाहिए राणा सांगा के बारे में, उन्हें पता चलना चाहिए महाराणा प्रताप के बारे में, और कितने ही ऐसे राजा थे जिन्होंने, उन राजाओं ने किस तरीके से मुगलों का जीना हराम किया था, ये सब कुछ पता चलना चाहिए। किसके साथ लड़े थे, क्यों लड़े थे, कैसे लड़े गए थे, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बच्चों को बताया जाना चाहिए। एक तरफा और अध कचरा ज्ञान किसी के काम का नहीं होता है। दोस्तों, ये जानकारी मैंने तो अब आपको बता ही दी है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।